भक्ति ज्ञान वैराग्य, ज्ञान का भक्ति का फाउंडेशन आदि में पड़ा था, तो वैराग्य का फाउंडेशन किस समय और किसके द्वारा? जब परम धाम जाने का टाइम होगा तो काय का फाउंडेशन पड़ेगा, वैराग का फाउंडेशन पड़ेगा। वैराग का मतलब क्या है? वे राग, राग माने प्यार, इससे प्यार, उससे प्यार, इससे प्यार, इन संबंध से प्यार, उस संबंध से प्यार, इस संबंध से प्यार, उसके कहते हैं राग। और वैराग माने देह के सब संबंध त्याग दिए, कोई संबंध से प्यार न रहा, देह के सब पदार्थों को त्याग दिया, इच्छा मात्रम अविद्या, एक से प्यार हो गया। और वो एक कहां का रहने वाला है? परमधाम का रहने वाला है। तो वो जहां ले जाएगा बस उसी देश से प्यार, अब अगर जाना है और कुछ नहीं सुझाई पड़े, उसको कहेंगे असली प्यार, वैराग। हाँ हाँ हाँ, उल्टा बोल दिया, बिन विराग विवेक न होवे, वो उल्टा बोलता है। बिनु वैराग विवेक न हुई, जब अंदर से सच्चा सच्चा इस दुनिया से वैराग आता है तब सच्चा सच्चा ज्ञान पैदा होता है। जब तक इस दुनिया से, दुनिया के संबंधों से, दुनिया के पदार्थों से सच्चा सच्चा लगाव पैदा है तब तक ज्ञान नहीं आ सकता। माना अभी हम अपन को ज्ञानी समझते हैं, लेकिन क्या आत्मा के 84 जन्मों का ज्ञान पैदा हुआ है? नहीं हुआ है। इसका मतलब सच्चा सच्चा अभी वैरागी नहीं बने। इसलिए रामायण में कहा है बिनु वैराग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम, उन्होंने देहधारी को समझ लिया। वास्तव में कौन सा राम? जो निराकार राम शिव बाबा है, उसके प्रति जब तक प्यार पैदा नहीं हुआ है 100%, उस एक के प्रति 100% प्यार पैदा होगा तो सब के प्रति वैराग आ जाएगा, और सब के प्रति वैराग आ जाएगा तभी अपनी आत्मा के 84 जन्मों का ज्ञान होगा। एक साथ तो नहीं होगा, होगा तो धीरे धीरे, परंतु जितना जितना वैराग आता जाएगा उतना उतना ज्ञान भी पैदा होता जाएगा, उतना उतना अपने जन्मों का खुलासा भी होता जाएगा।